दोस्तों, पिछली वीडियो को आप सभी ने काफी पसंद किया है, जिसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एंड मैरिज व्लॉग को भी आप सब ने बहुत पसंद किया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो हे फोक्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं खुशबू और स्केरी नाइट्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक और हॉरर फिल्म जिसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हेलेना, जो कि साल 2012 में रिलीज की गई थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत किसी अनजान घर में बिखरे हुए खून और एक क्लोजेट को दिखाते हुए होती है, और फिर सीन कुछ सालों बाद सोफी की तरफ मुड़ जाता है, जो एक हिस्टोरियन थी। सोफी ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था और उसकी एक 10 साल की बेटी हेलेना भी थी, जिसका ख्याल वो अकेले रखती थी। सोफी ने रिसेंटली एक नया घर लिया था और अब वो इसी घर में अपना सामान शिफ्ट करवा रही थी। ये घर वही था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और सोफी को यहाँ वो क्लोजेट भी मिलता है जो अब एकदम सही हालत में था। हेलेना अब सोफी से उस क्लोजेट को अपने रूम में रखने की रिक्वेस्ट करती है और सोफी मान जाती है। वो इस क्लोजेट को हेलेना के रूम में रखवा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस क्लोजेट से कोई हेलेना पर नजर रख रहा है। अगली सुबह डेली रूटीन की तरह सोफी हेलेना को जगाने आती है, जहां हेलेना उसे बताती है कि उसका एक दांत अब जल्दी ही टूटने वाला है। सोफी उसे ये कहकर टाल देती है कि जल्दी उसे नया दांत आ जाएगा, और वो उसे तैयार करके स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है। लेकिन घर से निकलने से पहले सोफी नोटिस करती है कि ऊपर वाले फ्लोर से एक बूढ़ा आदमी उन दोनों पर नजर रखे हुए है, पर सोफी उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से निकल जाती है। सफर के दौरान वो हेलेना के दांत के बारे में भी बात करती रहती है, और सोफी हेलेना को अपना टूटा हुआ दांत अपने पीलो के नीचे रखने के लिए कहती है, जिसके बदले टूथ फेरी उसे बहुत सारे पैसे देगी। तभी रास्ते में अचानक ही सोफी की कार का मीडिया प्लेयर ग्लिच करने लगता है, और जब वो उसे चेक कर रही थी तो एक ट्रक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि कार की पिछली सीट पर किसी छोटी बच्ची का घोस्ट बैठा हुआ था, जो कार के पानी में गिरने के साथ ही गायब हो जाता है। सोफी की आंखें अब सीधे हॉस्पिटल में खुलती है, जहां हेलेना के बारे में पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। वो हेलेना से मिलने जाती है। डॉक्टर उसको बताता है कि कार में एक्सीडेंट के दौरान उसका दांत टूट गया था। हेलेना अब उसे अपना टूटा हुआ दांत ढूंढने के लिए कहती है। सोफी उसे ये कहती है कि उसे नहीं पता उनकी कार को कहां ले जाया गया है। इस पर हेलेना जोर जोर से चिल्लाते हुए वो टूटा हुआ दांत लाने के लिए कहने लगती है। सोफी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, एज उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, और वो हेलेना को लेकर एक पार्क में कुछ टाइम बिताने के लिए जाती है। हेलेना यहाँ उसे बताती है कि उसका एक और दांत टूटने वाला है, और जब सोफी इसे दिखाने के लिए कहती है तो उसे अचानक से ही हेलेना का चेहरा कुछ पलों के लिए डिस्टॉर्टेड नजर आता है। सोफी अब हेलेना के उस दांत को बाहर निकालती है, जिसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। रात में हेलेना उस टूटे हुए दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती है, जैसा सोफी ने उसे टूथ फेरी के बारे में बताया था। अब अगली सुबह सोफी हेलेना से उस दांत के बारे में पूछती है, जहां हेलेना ये बताती है कि टूथ फेरी उसे ले गई और उसके बदले उसे ये कॉइन मिला है। सोफी अब उस कॉइन को चेक करती है, जो काफी पुराना था। उसकी नजर अब हेलेना के ड्राइंग पर भी जाती है, जो काफी डरावनी थी, और पूछने पर हेलेना बताती है कि वो टूथ फेरी है। सोफी अब इन सब चीजों को इग्नोर करती है, लेकिन उसी दिन उसे हेलेना की प्रिंसिपल मिलने बुलाती है और ये बताती है कि हेलेना काफी अजीब हरकतें कर रही है। उसने कई सारे बच्चों से वही पुराने सिक्के देकर उनके टूटे हुए दांत को कलेक्ट किया है। सोफी अब कार में आकर हेलेना से इन सब के बारे में पूछती है, लेकिन हेलेना ये कहती है कि अब टूथ फेरी उसके टीचर से गुस्सा है और अब वो उसके दांत भी ले लेगी। सोफी अब हेलेना के इस कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करती है, लेकिन वो इसे बस एक नॉर्मल केस बताते हैं। अब अगले दिन जब सोफी अपने घर से ऑफिस जा रही होती है, तो वही बूढ़ा आदमी उसे रोकता है, जो कुछ दिनों से उन पर नजर रख रहा था। वो अपना नाम फेरी बताता है और सोफी से ये कहता है कि वो इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दे, नहीं तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन सोफी को ये सब बकवास लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हेलेना को देखते हैं, जो रात में सोफी के सोने के बाद उसी क्लोजेट के पास जाती है और वहाँ से टूथ फेरी को बाहर आने के लिए कहती है। सीन अब सीधे अगली मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां सोफी हेलेना को स्कूल जाने के लिए कहती है, लेकिन हेलेना ये कह के मना कर देती है कि उसके प्रिंसिपल की मौत हो गई है। सोफी को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उसे स्कूल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि स्कूल की प्रिंसिपल सच में मर गई है। सोफी अब इन सब से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कुछ देर बीच पर चली जाती है।
लेकिन यहाँ वो उसी छोटी बच्ची के गोस्ट को फिर से देखती है जो एक्सीडेंट के समय उसके कार में थी। सोफी अब उसका पीछा करते हुए एक कब्र तक पहुँच जाती है जिस पर ये लिखा था, उस बच्ची को किसी वुल्फ ने मार दिया था। अब अगले दिन सोफी हेलेना के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर फैबियानो के पास जाती है जिनका रेफरेंस उसे उसी हॉस्पिटल से मिला था जहाँ एक्सीडेंट के बाद उसका इलाज हुआ था। सोफी डॉक्टर को बताती है कि हेलेना का पहला दांत टूटने के बाद से ही उसका बिहेवियर बदल गया है। सोफी की ये बात सुनकर डॉक्टर उससे ये पूछते हैं कि क्या हेलेना को उस इंसिडेंट के बारे में पता है जो कई सालों पहले उन्हीं के घर में हुआ था। लेकिन ऐसे किसी इंसिडेंट की जानकारी तो अब तक सोफी को भी नहीं थी और वो डॉक्टर को इसके बारे में बताने को कहती है। डॉक्टर अब उसे ये बताता है कि कई दशकों पहले उसके घर में एक सनकी आर्मी ऑफिसर रहता था। एक दिन उस आर्मी ऑफिसर ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख लिया जिसके बाद उसे पनिश करने के लिए उसने उसके सारे दांत एक एक करके निकाल दिए और फिर अपनी पत्नी को अधमरी हालत में एक क्लोजर में मरने के लिए बंद कर दिया। यहाँ डॉक्टर की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। सोफी अब इस हादसे के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए मिस्टर फेरी के घर जाती है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते, जिसके बाद सोफी खुद से ही उनके घर में छानबीन करने लगती है। उसे यहाँ दीवार पर बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स लगे मिलते हैं जिनमें कई सारे बच्चों को वुल्फ द्वारा मार डालने की न्यूज थी। यहाँ सोफी को उस छोटी बच्ची और उस कपल से जुड़ा एक आर्टिकल मिलता है जो पहले उनके घर में रहते थे और सोफी अब ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स लेकर वापस चली जाती है। वो अब सबसे पहले अपने घर आती है और उस क्लोजेट के सामने एक बड़ा सा पियानो लेकर उसे बंद कर देती है। लेकिन रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उसे क्लोजेट से खटखटाने की आवाज आती है। सोफी अब उसे चेक करने जाती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल निकलता है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो वो देखती है कि उसका रास्ता उसी बड़े पियानो से बंद है जो उसने क्लोजेट को बंद रखने के लिए लगाया था। सोफी अब हेलेना को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करती है और वो हेलेना को दूसरी तरफ पहुँचा भी देती है, लेकिन जब वो खुद वहाँ से निकल रही होती है तो दीवार और पियानो के बीच फंस जाती है। तभी वहाँ उस लेडी का गोस्ट भी आ जाता है जो धीरे धीरे सोफी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी हेलेना उसे एक बॉक्स देती है जिसमें उसने कई सारे दांत को कलेक्ट किया था और जब सोफी इन दांतों को उस भूत की तरफ फेंकती है तो उसका ध्यान उन दांतों की तरफ चला जाता है और मौका पाकर सोफी हेलेना को लेकर वहां से निकल जाती है। सोफी अब अगली रात हेलेना के साथ हॉस्पिटल में बिताती है जहां उसने अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट को भी बुला लिया था। रॉबर्ट अब हेलेना को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है जिसके बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है। सोफी की नज़र अब हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक पर जाती है जहां उसे किसी कारण से वही आर्मी ऑफिसर नजर आता है जो उसके घर में रहता था। वो उस जगह के बारे में एक नर्स से पूछती है तो वो ये बताता है कि काफी समय पहले वो मेंटल पेशेंट यूनिट थी लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है। सोफी अब हेलेना के पास चली जाती है और उसके साथ टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी हेलेना ये कहती है कि टूथ फेरी यहाँ आ गई है और वो मुझ पर गुस्सा है। रीजन पूछने पर हेलेना बताती है कि वो उसके दांत नहीं थे, उसे अपने दांत चाहिए जिसे उसके हस्बैंड ने उसे मार कर किसी सीक्रेट प्लेस पर छिपा दिया था। अगले दिन हेलेना के कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जिसके बाद नर्स उसे खाना देकर चली जाती है। हेलेना के बिल्कुल सामने यहाँ एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उसे उसी छोटी बच्ची का गोश्त नजर आता है और तभी रूम की छत खून से लाल होने लगती है और एक दांत सीधे हेलेना के खाने में आकर गिरता है और फिर देखते ही देखते उस रूम में दांतों की बारिश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हेलेना को सीधे बेड पर देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे और उन्होंने सोफी को भी वापस बुला लिया था। हेलेना सोफी को बताती है कि मिरर में गोस्ट है, जिसके बाद वो मिरर चेक करने जाती है और ये देखती है कि उस लेडी का गोस्ट अभी भी हेलेना के पास खड़ा है। सोफी अब चर्च जाती है जहां उसने अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट को भी मिलने बुलाया था। रॉबर्ट को ये सब बस मेडिकल प्रॉब्लम्स लग रही थी, जिसके बाद सोफी उसे वही न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाते हुए सारी सच्चाई बताती है जो उसने उस बूढ़े आदमी के घर से चुराई थी। रॉबर्ट को अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं था और वोल्टा सोफी को ये कहकर वहां से जाता है कि वो हेलेना की कस्टडी खुद ले रहा है। रॉबर्ट अब वहां से बाहर निकल जाता है लेकिन रास्ते में उसे भी उस छोटी बच्ची का गोश्त नजर आता है जो हेलेना और सोफी को नजर आता था। रॉबर्ट अब उस गोश्त का पीछा करते करते उसी क्लोजेट तक पहुंच जाता है जहां लाखों की तादाद में मस्कीटोज उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। यहां सोफी हेलेना से ये जानने की कोशिश करती है कि वो गोश्त उससे क्या चाहता है और वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता।
सोफी अब जोर से उस घोस्ट को हेलेना का पीछा छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ रखे क्लोजर से आवाज आने लगती है और उस पर भी वही सिंबल उभर आता है जो उस हॉन्टेड क्लोजर पर था। तभी नर्स इनको देखने आती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नर्स के जाने के बाद सोफी अब उस क्लोजर को चेक करती है जहाँ उसे कई सारे दांत मिलते हैं। इनमें से एक दांत में डायमंड लगा हुआ था और रॉबर्ट ने भी अपने एक दांत में डायमंड लगवाया था। सोफी ये देखकर समझ जाती है कि ये सारे दांत रॉबर्ट के हैं और उसकी डेथ हो चुकी है। सोफी अब हॉस्पिटल के पार्क में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद उसे फिर से उस आर्मी ऑफिसर का भूत सामने वाले बिल्डिंग में नजर आता है। तभी यहाँ एक मेंटल पेशेंट आता है जो उस भूत को हाई करता है और सोफी को यकीन हो जाता है कि ये उसका वहम नहीं है। वो अब उस आर्मी ऑफिसर के बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ उसे कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें उसके द्वारा एक नरभक्षी वुल्फ को मारने की बात कही गई थी जो छोटे बच्चों को मारता था। लेकिन दूसरे ही आर्टिकल में उसे अपनी वाइफ का किलर भी बताया गया था और इसके बाद उसे इसी हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड में रखा गया था। सोफी अब उसके बारे में और जानने के लिए नर्स का की कार्ड चुराती है और रिकॉर्ड रूम से उस आर्मी ऑफिसर की फाइल चुरा लेती है। वो इसे लेकर सीधे अपने ऑफिस में जाती है और उन्हें चेक करने लगती है। सोफी को अब पता चलता है कि उस ऑफिसर का नाम ग्रेको बटिस्टा था और उसे सेल नंबर 15 में रखा गया था। उसे यहाँ उसी छोटी बच्ची और उसकी वाइफ की फोटोज के साथ कुछ हार्ट शेप ड्राइंग भी मिलती है। इनमें से एक ड्राइंग पर ये लिखा हुआ था कि वो एबोमिनेशन है और इनोसेंस की जान लेती है। तभी सोफी को वहाँ किसी के आने की आर्ट सुनाई देती है, लेकिन वो बस उसका कोवर्कर निकलता है जो रात में यहाँ लाइट ऑन देखकर आ गया था। वो उसे किसी हेल्प के लिए पूछता है, जिस पर वो ग्रेको बटिस्टा की वीडियो रिकॉर्ड्स देकर उसे चेक करने के लिए कहती है। सोफी अब हॉस्पिटल के सेल नंबर 15 में जाती है, जहाँ छानबीन करने पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नजर उस रूम की सीलिंग पर जाती है जहाँ फिर से वही हार्ट शेप ड्राइंग बनी हुई थी। तभी वो सीलिंग भी खून से लाल होने लगती है, जिसके बाद सोफी यहाँ से भागकर चर्च चली जाती है। सोफी की नजर अब चर्च की दीवार पर लगे कुछ एंटिक पीस पर पड़ती है और वो देखती है कि इनमें से एक बिल्कुल वैसे ही हार्ट शेप है जो ड्राइंग में थी। वो उसे नीचे उतारती है तो उसके पीछे की तरफ सोफी को उस भूत के सारे दांत मिल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका नाम फेरी था और वो सोफी पर हमला कर देता है, लेकिन सोफी उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है। वो यहाँ से सीधे अपने घर उस क्लोजेट के पास आ जाती है और जैसे ही उसे खोलती है, रॉबर्ट की सड़ी हुई बॉडी उसके ऊपर आ गिरती है। सोफी ये देखकर काफी दुखी होती है, लेकिन हेलेना को बचाने के लिए वो उस क्लोजेट में दांत को गिरा देती है और उस भूत को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो हेलेना का पीछा छोड़ दे। सोफी जब घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उस लेडी का भूत अब एकदम शांत होकर उसे विंडो से देख रहा था। सीन अब सीधे अगले दिन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ हेलेना मिराकुलसली एकदम से ठीक हो गई थी और उसे कुछ ही दिनों में वहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाने वाला था। सोफी वहाँ से फ्री होकर हैप्पीली अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसका कोवर्कर उसे ग्रेको बटिस्टा के वही वीडियो रिकॉर्ड चेक करने को कहता है जो सोफी ने उसे दिए थे। इन वीडियोस को देखकर सोफी को पता चलता है कि ग्रेको की वाइफ असल में एक कैनिबल थी जो छोटे बच्चों को मारकर खाती थी। उस एरिया से मिलिट्री के कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि ये काम वुल्फ्स ने किया है, लेकिन वहाँ वुल्फ्स थे ही नहीं। उसी ने ग्रेको की बेटी को भी मारकर खा लिया था और ऐसा करते हुए उसे उनके नेबर फेरी के बेटे ने भी देख लिया था, जिसके बाद उसने उसे भी मार दिया। अपनी वाइफ को ऐसा करने से रोकने के लिए अब ग्रेको ने उसके सारे दांत निकालकर कहीं छिपा दिए थे और उसे मरने के लिए क्लोजर में बंद कर दिया था। सोफी को यह सब पता चलने पर अब वो सीधे हॉस्पिटल हेलेना को लेने जाती है, लेकिन तभी वहाँ फेरी छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। मरने से पहले सोफी से ये भी कहता है कि उसे अपने दांत अब वापस मिल चुके हैं और अब वो बच्चों को खा सकती है। सोफी अब हॉस्पिटल में हेलेना को ढूंढने लगती है जो उसे कहीं नहीं मिलती। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां सोफी उसी हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी थी और अब उसे ग्रेको की जगह हेलेना की स्पिरिट हॉस्पिटल के उस ब्लॉक में नजर आती थी। हेलेना की स्पिरिट को वो मेंटल पेशेंट भी देख पाता था जो उसे हाई करता है। और अब हम हेलेना को देखते हैं, जिसका चेहरा एक तरफ से उस लेडी के भूत ने खा लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोफी को पार्क में हेलुसिनेशन हुआ था। और बस इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी हॉन्टिंग ऑफ हेलेना की कहानी। मूवी काफी अच्छी है और सस्पेंस से भरी हुई है। इस फिल्म के अंदर एक छोटी बच्ची का भूत बार बार दिखाया जा रहा था, जो कि कोई और नहीं उसी आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। फैरी उन दांतों को उस आर्मी ऑफिसर की बीवी के भूत से बचा रहा था ताकि वो बच्चों को फिर से ना खा पाए। लाइक वो सबको मार तो सकती थी, लेकिन बच्चों को खाने की भूख अपने दांतों को वापस पाने के बाद ही मिटा सकती थी, जैसा कि उसने अंत में हेलेना को खा लिया। वुल्फ वाली बात और आर्मी ऑफिसर की बीवी की अफेयर वाली बात झूठ थी, ताकि कैनिबलिज्म वाली बात को छुपाया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग करके पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।